अगली बड़ी खबर संजय सिंह के हवाले से आपको बताते चलें। संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाप्त होने वाली है। तो दिल्ली शराब घोटाले में के इल्जाम में जेल में है संजय सिंह। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जमानत अर्जी। संजय सिंह ने एक दूसरी अर्जी भी दायर की है। संजय सिंह ने ईडी की कार्रवाई को सियासत से मुतासर बताया है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। तो शराब नीति घोटाले में आज संजय सिंह की रिहाई पर सुनवाई होगी। तो वहीं संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था, जिसे लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसके अलावा संजय सिंह ने एक दूसरी अर्जी भी दायर की है, जिसमें ईडी की कार्रवाई को सियासत से मुतासर बताते हुए अपनी गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया गया है। और इस अर्जी पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो संजय सिंह, जो कि पहले से ही जेल में हैं और काफी लंबा वक्त उन्हें हो चुका है दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, ईडी की तरफ से उन पर भी कार्रवाई की गई थी और अभी तक संजय सिंह को जमानत नहीं मिली है। तो वहीं संजय सिंह की तरफ से दायर दो अर्जियों पर आज समाप्त होने वाली है। तो संजय सिंह की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाप्त होने वाली है। तो दूसरी तरफ ईडी की तरफ से जो उनकी गिरफ्तारी है उसको सियासत से मुतासर बताया गया है और जो ईडी की कार्रवाई है वो सियासत से मुतासर है, ये भी अर्जी दाखिल की गई थी। ऐसे में ईडी पर कार्रवाई के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी, जिन दोनों अर्जियों पर समाप्त आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो संजय सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाप्त होने वाली है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या संजय सिंह को राहत मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना होगा। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के कई नेता इसमें पहले से ही फंसे हुए चल रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जेल में रखा गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनकी ईडी की तहवील खत्म होने के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और 14 दिन तक वो जेल में रहेंगे। तो वहीं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के लीडर और राज्यसभा एमपी, पहले से ही जेल में है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या संजय सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है या फिर इसी तरह उनकी जो जमानत है वो रिजेक्ट यहां पर हो जाएगी। तो दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आज संजय सिंह की रिहाई पर सुनवाई होगी। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिस पर सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा था।